ऐसा बहुत कम होता है कि कोई वेटर का काम करने वाला अरबपति बन जाए, लेकिन ऐसी कहानियों से दुनिया की किताबें भरी पड़ी है। जरूरत है तो केवल इतनी कि इन कहानियों को पढ़े, उनके हीरो की मेहनत को समझे और फिर हम भी उसी लगन और मेहनत के साथ अपनी किस्मत बनाने में जुट जाए। एक कहावत है, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इंटरनेशनल फैशन ब्रांड फॉरएवर 21 के फाउंडर और ओनर डो वोन चांग। चांग का जन्म साउथ कोरिया के सियोल में स्थित मियोंगडांग गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने कॉफी शॉप में काम किया और अपनी एक कॉफी डिलीवरी सर्विस भी शुरू की। 1981 में वो अपनी पत्नी जिन सुक के साथ अमेरिका चले गए। यहाँ आने के बाद वो एक साथ तीन जगहों पर नौकरी करने लगे। वोन चांग एक कॉफी शॉप में वेटर थे, साथ ही एक कंपनी में गार्ड और गैस स्टेशन में अटेंडेंट की नौकरी भी वो करते थे। इसी दौरान उन्हें लगा कि फैशन सफलता का एक टिकट हो सकता है, क्योंकि गैस फिलिंग स्टेशन पर रुकने ज़्यादातर अच्छी अच्छी गाड़ियों के मालिक क्लॉथ इंडस्ट्री से जुड़े थे। लिहाजा उन्होंने भी तय किया कि वो इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाएंगे। 1984 में उन्होंने अपनी तीनों नौकरियों से मिली मजदूरी का यूज करके लॉस एंजेलिस के हाईलैंड पार्क में अपना पहला स्टोर खोला और उन्होंने इसका नाम रखा फैशन 21। चांग ने कोरियन और अमेरिकन को ध्यान में रखकर बिजनेस स्टार्ट की थी। जब बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होने लगी तो उन्होंने अपने स्टोर का नाम बदलकर फॉरएवर 21 रख दिया। 5 सालों में अपने गांव में भी फॉरएवर 21 का स्टोर खोल दिया। हालांकि 2009 में रिसेशन के दौरान चांग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने 7 स्टोर्स बंद करने पड़े, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनके बिजनेस में बूम आ गया। जब वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो भी उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों ने कंपनी के ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया। इसके बावजूद चांग इन सब से उभरकर खुद को एक बेहतरीन बिजनेस पर्सनालिटी के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। आज अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के कई देशों में उनके स्टोर्स हैं। चांग इस बात में यकीन रखते हैं कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपनी कीमती एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ता है और जिंदगी में आने वाले हर उतार चढ़ाव को सहजता से लेते हुए आगे बढ़ना होता है, तभी कामयाबी मिल पाती है। यानी कामयाब होने के लिए इस सोच को हमेशा ध्यान में रखें कि जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आगे और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।